तो दोस्तों, अगर आपको 15,000 के प्राइस पॉइंट में इस टाइम का सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन लेना है, तो आज मैं आपको 15,000 वाले पूरे 5 सबसे लेटेस्ट एंड न्यू स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूं। और ये पांचों के पांचों स्मार्टफोन आपको गेमिंग में, डिस्प्ले में, कैमरा में एंड 5G नेटवर्क में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस का मजा देंगे। यहाँ पर आपको इन स्मार्टफोन्स में 8GB की बड़ी रैम मिलेगी, 108 मेगापिक्सल का हाई क्वालिटी कैमरा मिलेगा, सुपर एमोलेड वाली बेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले होगी एंड 5G नेटवर्क का सपोर्ट मिलेगा। और गैस, ये पांचों के पांचों फोन्स इस टाइम के सबसे लेटेस्ट एंड बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और आप भी देरी मत करो, अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा देना। दोस्तों, अब स्मार्टफोन्स की बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नंबर 5 की। तो यार, अगर आपको एक स्वदेशी स्मार्टफोन लेना है, मींस इंडियन स्मार्टफोन चाहिए, तो आप लोग एक बार जरूर से चेकआउट करें माइक्रोमैक्स इन नोट 2 को। ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले पर आने वाला इकलौता इंडियन स्मार्टफोन है एंड इस डिवाइस को आप दो कंडीशन में बाय कर सकते हो। अगर आपको एक इंडियन स्मार्टफोन लेना है तो फिर माइक्रोमैक्स इन नोट 2 आपके लिए अच्छा रहेगा, या फिर आपका बजट 13,000 के आसपास है और आपको इस प्राइस सेगमेंट में एक अच्छा स्मार्टफोन लेना है तो भी ये फोन आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। अब शुरू करते हैं इसकी फ्रंट साइड से। तो इसमें 6.4 इंचेस की FHD+ एमोलेड स्क्रीन है, साथ में कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास की डिस्प्ले प्रोटेक्शन है। रिफ्रेश रेट है या नहीं इसके बारे में माइक्रोमैक्स ने कुछ क्लियर नहीं किया है। एमोलेड डिस्प्ले है तो कलर्स वगैरह बिल्कुल सही है और ये एमोलेड स्क्रीन वाला काम माइक्रोमैक्स ने अच्छा किया है। साथ में माइक्रोमैक्स ने एक काम और जबरदस्त करा है और वो है इसका प्रोसेसर। इसमें मीडियाटेक हीलो G95 वाला गेमिंग प्रोसेसर लगा है। गेमिंग में ये फोन आपको एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएगा और गेमिंग के साथ साथ नॉर्मल यूजेज में भी ये फोन बिल्कुल सही रहेगा। इस फोन का डिजाइन आपको सैमसंग गैलेक्सी S21 की फील देगा एंड इस बार माइक्रोमैक्स ने इसके डिजाइन में कोई भी कंजूसी नहीं की है। डिजाइन इस फोन का बिल्कुल लाजवाब है। फीचर्स की बात करें तो ये फोन आपको स्टॉक एंड्रॉइड का क्लीन एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएगा, मतलब कि ऐड वगैरह का झंझट इस स्मार्टफोन में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। 2 SIM और एक अलग से मेमोरी कार्ड इसमें आप लगा सकते हो। सिक्योरिटी के लिए साइड वाला लॉक मिलेगा एंड यस गाइस, 3.5mm का जैक है। कैमरा मॉड्यूल इस फोन का S21 अल्ट्रा के जैसा है। मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड बाकी 2-2 मेगापिक्सल के दो कैमरे एंड फ्रंट साइड के सेंटर में 16 मेगापिक्सल वाली सेल्फी है। एंड गाइस, ऑनेस्टली कैमरा के मामले में ये स्मार्टफोन थोड़ा ढीला है, पर वैसे मैं इस फोन के कैमरे को एवरेज बोलूंगा। बढ़ा चढ़ाकर झूठी तारीफ मैं इसकी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और अगर इसके प्राइस, प्रोसेसर एंड डिस्प्ले को देखें तो इसका कैमरा बिल्कुल डिसेंट परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं इसकी पावर की। 5000mAh की बैटरी है और 30W का डार्ट चार्जर आपको इन द बॉक्स मिल जाएगा। और इसकी 4GB की रैम और 64GB के स्टोरेज के लिए आपको 13,500 रुपए देने पड़ेंगे। तो यार, ये फोन तो था उनके लिए जिनको एक इंडियन स्मार्टफोन लेना है, पर आप में से बहुत से यूजर ऐसे होंगे जिनको सेम प्राइस पॉइंट के अंदर, मतलब कि 13,000-13,500 में बिल्कुल एक परफेक्ट स्मार्टफोन चाहिए, चाहे वो चाइनीज स्मार्टफोन हो। तो यार, आप लोगों के लिए एक सबसे लेटेस्ट एंड नया नवेला स्मार्टफोन है रेडमी नोट 11। ये फोन कल ही लॉन्च हुआ है और यार, जिस प्राइस पॉइंट के अंदर ये फोन आता है उसको ये पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है। इसके स्पेक्स की बात करें तो इसमें आगे की तरफ 6.43 इंच की FHD+ वाली एमोलेड स्क्रीन लगी है, साथ में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट। गाइस, डिस्प्ले की स्मूथनेस तो इस फोन में आपको बिल्कुल ठीक मिलेगी, ब्राइटनेस भी काफी अच्छी है। कुल मिलाकर प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी डिस्प्ले ओके है एंड इसकी डिस्प्ले आपको गेमिंग में या फिर मल्टीमीडिया में दोनों के अंदर एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएगी। अब नंबर आता है प्रोसेसर का। तो इसमें स्नैपड्रैगन 680 का पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर लगा है और ये प्रोसेसर बेस्ड है 6nm आर्किटेक्चर पर, मींस पावर एफिशिएंट चिपसेट है जो गेमिंग के टाइम पर और नॉर्मल यूजेज में दोनों जगह पर काफी कम बैटरी कंज्यूम करेगा। कोई भी परफॉर्मेंस इशू यहां पर आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के फीचर्स की। ये स्मार्टफोन IP53 सर्टिफाइड है। इसमें डुअल स्टूडियो स्पीकर्स लगे हैं, 3.5mm का जैक इसमें आपको मिल जाएगा और सिक्योरिटी के लिए साइड वाला लॉक मिलेगा। अब सीधा रुक करते हैं इसके कैमरा की तरफ। तो इसके बैक में 50+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा लगा है और फ्रंट वाली साइड में आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी। भाई, इसके बैक कैमरे से आप ओनली 1080p वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। भाई, डे लाइट में इसका कैमरा काफी अच्छा परफॉर्म करता है, बट लो लाइट के अंदर आपको इसके क्लिक हुई फोटोज में डिटेल्स कम मिलेंगी। ओवरऑल देखे तो कैमरा इस स्मार्टफोन का ओके है, बिल्कुल तगड़े लेवल की फोटोज तो नहीं मिलेंगी, एकदम नॉर्मल कैमरा इस स्मार्टफोन के अंदर लगा है। अब बात करें बैटरी की। 5000mAh की बैटरी है और 33W का चार्जर आपको इन द बॉक्स मिल जाएगा। गाइस, इसमें 6nm वाला प्रोसेसर है जो बैटरी को काफी कम इस्तेमाल करता है, तो 5000mAh को भी आप 1.5 दिन तक आराम से यूज कर पाओगे। अब बात करते हैं इसके रैम स्टोरेज की। तो इसके 4GB की रैम और 64GB के स्टोरेज के लिए आपको 13,500 रुपए देने पड़ेंगे
और इसकी 6GB की रैम और 64GB के स्टोरेज के लिए आपको देने पड़ेंगे 14,500 रूपए। और गैस आप इसके 6128 वाले वेरिएंट को परचेज मत करना क्योंकि इसका प्राइस है 16,000 रूपए और इस प्राइस के अकॉर्डिंग ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है क्योंकि 16,000 के अंदर इससे कहीं ज्यादा बेटर स्मार्टफोन आपको मिल जाएंगे। एंड गैस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आ चुके हैं नंबर 3 पर और इस नंबर पर आता है द परफेक्ट 5G स्मार्टफोन मोटो G51 5G। अगर आपको 15,000 के प्राइस में एक फ्यूचर प्रूफ 5G स्मार्टफोन लेना है तो फिर ये फोन आपके लिए काफी कमाल का है और इसमें ऐड वगैरह का कोई भी पंगा नहीं है, बिल्कुल क्लीन यूजर इंटरफेस इसमें आपको मिल जाता है। स्क्रीन इसमें 6.8 इंच वाली FHD+ स्क्रीन है एंड 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट है और इसमें एनर्जी ग्लास वाली डिस्प्ले प्रोटेक्शन है जिसको हम गोरिल्ला ग्लास 3 के इक्वल मान सकते हैं। एंड गाइस इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले काफी बड़ी है जिससे आप लोगों को गेमिंग करने में और वीडियोस देखने में दोनों जगह पर काफी मजा आएगा। इसमें स्नैपड्रैगन 480+ वाला छोटा फ्लैगशिप प्रोसेसर लगा है और ये फोन 12 5G बैंड को सपोर्ट करता है। छोटा फ्लैगशिप इसलिए बोला क्योंकि परफॉर्मेंस इसमें 7 सीरीज वाले प्रोसेसर के जितनी मिलती है एंड गेमिंग में या फिर हैवी टास्क करने में ये फोन आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं करेगा। इस स्मार्टफोन से आप हैवी गेमिंग भी आराम से कर पाओगे और नॉर्मल डेली यूजेज के लिए तो ये स्मार्टफोन बिल्कुल तगड़ा परफॉर्म करेगा। इसमें आपको हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का स्पेस मिलेगा यानी कि एक सिम और एक अलग से मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। सिक्योरिटी के लिए साइड वाला लॉक मिलेगा एंड ये फोन IP52 सर्टिफाइड है। पीछे की तरफ इसके 3 कैमरे लगे हैं 50MP+8MP+2MP और फ्रंट में आपको सेंटर वाली 13MP की सेल्फी मिलेगी। भाई इसके बैक कैमरे से आप 1080p वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा इस स्मार्टफोन का एवरेज परफॉर्म करता है, मतलब ना ज्यादा तगड़ा है ना ज्यादा बुरा, एकदम एवरेज कैमरा इस स्मार्टफोन के अंदर लगा है। 5000mAh की बैटरी है और 20W का चार्जर आपको इन द बॉक्स मिल जाएगा। इसके 4/64 के लिए आपको पूरे 15,000 रूपए देने पड़ेंगे। अब नंबर है सेकंड लास्ट स्मार्टफोन का, तो अगर आपको बड़ी रैम और बड़े स्टोरेज वाला स्मार्टफोन लेना है वो भी 15,000 के प्राइस पॉइंट में, देन आप लोग चेकआउट कर सकते हो इन्फिनिक्स नोट 11 एस को। इसमें आपको अंडर 15,000 8GB की बड़ी रैम और 128GB का बड़ा स्टोरेज मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्यारी सी डिस्प्ले की। 6.9 इंच की FHD+ वाली डिस्प्ले है एंड 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट है और 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट और गाइस इसकी डिस्प्ले में एनर्जी ग्लास की डिस्प्ले प्रोटेक्शन है। भाई लगभग 7 इंच के जितनी काफी बड़ी डिस्प्ले इस स्मार्टफोन में आपको मिल जाती है। स्मूथनेस भी इसकी डिस्प्ले में काफी अच्छी मिलेगी और अगर आप गेमिंग करोगे तो वहां पर भी आपको बिल्कुल तगड़ी स्मूथनेस मिल जाएगी। बात की जाए इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर की तो इसमें लगा है मीडियाटेक हीलियो G96 का प्रोसेसर। इससे आप गेमिंग काफी तगड़े लेवल की कर सकते हो, नॉर्मल यूजेज में भी ये स्मार्टफोन काफी बेस्ट परफॉर्म करेगा और हैवी टास्क भी इस स्मार्टफोन से आप बिल्कुल आराम से कर पाओगे। सिक्योरिटी के लिए साइड वाला लॉक मिलेगा एंड इसमें डुअल स्पीकर्स लगे हैं। इसमें आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट का स्पेस मिलेगा यानी कि 2 SIM और एक अलग से मेमोरी कार्ड इसमें आप लगा सकते हो। बैक में 50+2+2MP वाला ट्रिपल कैमरा लगा है और फ्रंट में आपको 16MP वाली सेल्फी मिलेगी। भाई अच्छी बात यह है कि इसके बैक कैमरे से आप 2K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन की काफी अच्छी है। चलिए अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। 5000mAh की बैटरी है और 33W का चार्जर आपको इन द बॉक्स मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके सबसे हाईलाइट स्पेक्स की यानी कि रैम स्टोरेज की, तो इसमें आपको 8GB की बड़ी रैम मिलती है, 128GB का बड़ा स्टोरेज मिलता है वो भी 15,000 के प्राइस पॉइंट में। तो भाई अगर आपको 8GB की बड़ी रैम वाला स्मार्टफोन लेना है वो भी 15,000 के बजट में, तब आप लोग इस स्मार्टफोन को आंख बंद करके परचेज कर सकते हो। अब आ चुके हैं नंबर 1 पर, तो अगर आपको एक बिल्कुल तगड़ा ऑलराउंडर फोन लेना है अराउंड 15,000 तो आप लोग परचेज कर सकते हो Redmi Note 11 S को। ये फोन Redmi Note 10 S का सक्सेसर है एंड कल ही लॉन्च हुआ है और 108MP के क्वाड कैमरे के साथ आने वाला ये सबसे सस्ता स्मार्टफोन है। चलिए अब बात करते हैं इसकी प्यारी सी डिस्प्ले की। इसमें 6.43 इंच की FHD+ वाली AMOLED स्क्रीन लगी है, साथ में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट। भाई डिस्प्ले की क्वालिटी तो इस स्मार्टफोन की काफी जबरदस्त है एंड प्राइस के हिसाब से इसकी डिस्प्ले अपने आप को बिल्कुल जस्टिफाई कर देती है। बात की जाए इसके प्रोसेसर की तो इसमें लगा है मीडियाटेक हीलियो G96 का प्रोसेसर। Redmi Note 10S में G95 मिलता था, यहाँ पर आपको G96 मिल जाता है। परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको Redmi Note 10S से अच्छी मिलेगी। गेमिंग में भी ये स्मार्टफोन आपके लिए काफी बेस्ट रहेगा और अगर आपको नॉर्मल यूजेज के लिए कोई स्मार्टफोन लेना है तब भी ये स्मार्टफोन आप लोगों के लिए काफी जबरदस्त रहेगा। मतलब कि अगर आप अपने बजट को इंक्रीज कर सकते हैं तो 15-16 हजार के बजट में ये स्मार्टफोन आप लोगों के लिए एक बिल्कुल तगड़े वाला ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। इसमें आपको सिक्योरिटी के लिए साइड वाला लॉक मिलेगा, एक सिम और एक अलग से मेमोरी कार्ड इसमें लगा सकते हो यानी कि हाइब्रिड कार्ड स्लॉट मिलेगा। इसमें डुअल स्टूडियो स्पीकर्स लगे हैं। चलिए बात की जाए इसके सबसे हाईलाइट स्पेक्स की यानी कि कैमरा की, तो इसके बैक में 108 मेगापिक्सल
वाला प्राइमरी कैमरा लगा है जिसमें सैमसंग HM2 का सेंसर लगा है। ये सैमसंग का सबसे लेटेस्ट सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का दूसरा कैमरा है और बाकी 2-2 मेगापिक्सल के दो कैमरे, और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल वाली सेल्फी मिलेगी। भाई इसके बैक में 108 मेगापिक्सल का कैमरा जरूर लगा है, पर इसके बैक कैमरे से आप ओनली 1080p वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, जो मुझे रेडमी की अच्छी बात नहीं लगी है। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन की काफी तगड़ी है। 5000mAh की बैटरी है और 33 वोल्ट का चार्जर आपको इन द बॉक्स मिल जाएगा। एंड इसकी 6GB की रैम और 64GB के स्टोरेज के लिए आपको ऑफर्स में 15,500 रुपए देने पड़ेंगे। तो भाई अगर आप लोग अपने बजट को इंक्रीज कर सकते हो, यानी कि 15,000 से 15,500 तक कर सकते हो, तो ये स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बिल्कुल तगड़ा होने वाला है। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने बजट को 500 रुपए तक इंक्रीज करें और Redmi Note 11S को परचेज करें, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट के अंदर ये एक बिल्कुल तगड़ा स्मार्टफोन है। तो भाई ये थे 15,000 के बजट में आने वाले 5 सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन। अब आप लोग अपने बजट और पसंद के हिसाब से इन 5 में से किसी भी एक स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। अगर मुझे इन 5 में से कोई एक स्मार्टफोन परचेज करना होता तो मैं परचेज करता Redmi Note 11S को। आप लोग किस स्मार्टफोन को परचेज करोगे आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए भाई आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी स्मार्टफोन को लेकर तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के जय वंदे मातरम।